नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी जगह पर जब कभी भूकंप वगैरह आ जाता है तो वहाँ पर मनुष्य बहुत मरते हैं पर जानवर उतने नहीं मरते हैं। जानवर आखिर कैसे बच जाते हैं और इनके पास ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से जानवरों को उतनी हानि नहीं होती है जितने मनुष्यों की होती है? तो आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या वजह है आखिर? तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, इसके पीछे की वजह सबसे बड़ी ये है कि भूकंप में कुछ ऐसा बदलाव होता है जो ये 2-3 दिन पहले पता लग जाता है। 3 दिन पहले भूकंप का पता लग जाता है, जिसमें कि क्या है, एक गैस होती है जिसको हम रेडान गैस कहते हैं। तो रेडान गैस होती है तो ये भूकंप के 3 दिन पहले से ये रिसाव करने लग जाती है और इस गैस का इंसान पता नहीं लगा पाते हैं। और लेकिन ये जो जानवर होते हैं इनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी होती है कि ये तुरंत उस रेडान गैस को सूंघ के पता लगा लेते हैं। एक ये होता है जो कि ये 3-4 दिन पहले इनको अनुभव हो जाता है। दूसरा ये है कि जब भूकंप आने वाला हो या फिर भूकंप हो या सुनामी हो, ये आने वाला हो तो इसमें क्या होता है, चूंकि ये भूकंप आने का रीजन होता है कि दो प्लेटों के आपस में टकराने से होता है, जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी में कई एक प्लेटें हैं, ठीक है। लेकिन जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो उससे भूकंप के बारे में वैसे मैं बाद में बनाऊंगा कि असल वास्तव में भूकंप क्या होता है, ये कैसे होता है, इसके बारे में विस्तार से बाद में चर्चा करेंगे। आज केवल ये चर्चा कर रहा हूँ कि कुत्तों को या अन्य जानवरों को कैसे पता लग जाता है। तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि भूकंप आने के पहले रेडान गैस का रिसाव होता है, जिससे उन्हें पता लग जाता है सूंघ करके। दूसरा क्या होता है कि जब ये भूकंप की प्लेटें टकराती हैं तो उसके पहले 15 मिनट पहले लगभग क्या होता है, 15 या 20 मिनट पहले उसके टकराने की एक साउंड निकलती है जिसकी फ्रिक्वेंसी इतनी कम होती है जिसकी वजह से इंसान तो उस आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं कम फ्रिक्वेंसी होने के कारण, लेकिन कुत्तों में वो आवाज़ आ जाती है। इस आवाज़ की फ्रिक्वेंसी मात्र 20 हर्ट्ज की होती है और ये 20 हर्ट्ज की क्या, जैसे कि आप जो साउंड चलाते हैं लोग वो सब समझेंगे, साउंड चलाने वाले क्या कहते हैं, जैसे बेस बढ़ाना होता है तो बेस बढ़ाने में क्या होता है कि उसको फ्रिक्वेंसी कम करनी पड़ती है। तो जितनी फ्रिक्वेंसी कम कर देते हैं उतना बेस बढ़ जाता है, जिसकी फ्रिक्वेंसी हाई कर देते हैं उसका वो बेस कम हो जाता है, उसका ट्रेवल या उसका हाई से या मिड कहते हैं ये चालू हो जाता है, हाई ट्रेवल चालू हो जाता है। तो इसकी इतनी कम फ्रिक्वेंसी होने के कारण ये मनुष्यों को आवाज़ सुनाई नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्या है कि मनुष्य नहीं जान पाता। लेकिन अगर जो कुत्तों पे या जानवरों पे ध्यान दे मनुष्य तो आसानी से बच सकता है। तो ये लोग सुन करके और अपने बचने का उपाय तुरंत ढूंढने लग जाते हैं जिससे कि इनका बचाव हो जाता है। लेकिन मनुष्य में इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती है और कुत्तों पर जानवरों पर विश्वास नहीं करता, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्यों को होता है। क्योंकि इन्हीं शब्दों के साथ बात को बराबर, नमस्कार, जय हिंद।